में भी वहीं छुपना पड़ेगा क्योंकि आंधी तूफान और ज़्यादा तेज होता होगा। हेलो गाइस, कैसे हैं सारे मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीछे एंट्री गेट है प्रेम मंदिर का, तो अभी हम एंटर होने वाले हैं क्योंकि अभी मंदिर खुला नहीं है, खुलने वाला है 15-20 मिनट में खुल जाएगा और फिर अंदर दिखाएंगे आप लोगों को पूरा ब्लॉग, सारी चीज़ें, सारी जानकारी। तो अंदर चलते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, पूरा देखिए ब्लॉग। जो मंदिर की टाइमिंग है खुलने की, वो सुबह 8 बजे से 12:30 तक की है, उसके बाद मंदिर बंद रहता है और शाम को 4:30 बजे से फिर ओपन होता है, 4:30 से 8:30 बजे तक शाम को ओपन रहता है। सो गाइस, अभी हम एंटर हुए हैं प्रेम मंदिर में, आप पीछे देख पा रहे होंगे मंदिर, और पूरा ये मंदिर का दूसरी तरफ का भी सीन देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे चित्र बने हुए हैं बड़े बड़े, और काफ़ी बढ़िया यहाँ का वातावरण है और स्पिरिचुअल भी है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रूही की वजह से, क्योंकि ये आइसक्रीम ख़त्म नहीं कर पा रही है और ख़त्म किए बिना जाना नहीं चाहते। चलें, अब खिलाओ इसको। अब देखो, ये देखो, कभी मुझसे खाती है, कभी मम्मा से खाती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा है मैडम का। इधर देखो, अब देखेंगे नहीं कैमरे में, देखो ये अभी रो के आए हैं ये, और ये रोते रहते हैं, इनको कुछ करने के लिए बोलो ना। अभी आरव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए मुझसे, बात नहीं कर रहे हैं, और इसी बात पे आइसक्रीम ख़त्म हो गया रूही का, अब चल सकते हैं हम यहाँ पे मंदिर। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य है, कृष्ण जी हैं और धोपिया हैं, सुंदर दृश्य, काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का, और नज़ारा बहुत अच्छा है, मंदिर काफ़ी बड़ा है। राधे 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 राधे, राधे। ये देखिए नज़ारा, चिकली अशोक वाटिका का सीन है, और यहाँ देखेंगे तो समुद्र में जो पुल बनाया था श्री रामचंद्र जी ने और उनकी सेना ने बजरंग बली जी की सहायता से, वो दृश्य दिखाया गया है इधर। ये देखिए पीछे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर परिवेश है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर वातावरण। पा रहे होंगे मौसम थोड़ा चेंज होता हुआ, थोड़ा सा तूफान टाइप का, थोड़ी आंधी टाइप की चल रही है, और बहुत ही बेहतरीन मौसम। कुछ और दिखाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये नज़ारा देख पा रहे होंगे आप, गोवर्धन पर्वत का नज़ारा, श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पे उठाया हुआ था। मौसम परिवर्तित होता हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तूफान आंधी आती हुई, लेकिन खूबसूरत जगह, खूबसूरत परिवेश। आंधी तूफान आई थी तो कृष्ण जी उठाया था, ऐसे ही कुछ आंधी तूफान आती हुई देखिए आप, तूफान आंधी थोड़ी बहुत आती हुई, सिर्फ बारिश नहीं है लेकिन आंधी है, काफ़ी अच्छी खासी हवा चल रही है, ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा परिवेश और मौसम बदलता हुआ, देख सकते हैं आंधी तूफान और गोवर्धन पर्वत भी वहीं छुपना पड़ेगा क्योंकि आंधी तूफान और ज़्यादा तेज होता हुआ। देखिए मंदिर, मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। गाइज़, अभी हमने दर्शन कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल है, कैंटीन में अभी चल रहे हैं, चाय नाश्ता करते हैं और
पानी वगैरह पीते हैं, फिर और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया परिवेश है यहाँ पे और अच्छा वातावरण है और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी होती हुई, थोड़ी सी आधी तूफान आती हुई और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। पीछे कैंटीन है, चाय नाश्ता कर सकते हैं आप पीछे कैंटीन में। अगर देखिए नज़ारा सामने, देखिए फवारा भी स्टार्ट हो गया, फाउंटेन स्टार्ट हो गया इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आई बिलीव कि यहीं पर रात को शो होता है फाउंटेन वाला, लाइट वाला, कितने अच्छे लग रहे हैं श्री कृष्ण। देख पा रहे हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं, और ऊपर का नज़ारा भी कुछ उस तरह का। ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रेम मंदिर की समय सारणी लगी हुई है, जगह जगह यहाँ पे लगा रखे हैं जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें का समय क्या है। यहाँ पे फाउंटेन का नज़ारा, जिसमें फाउंटेन शो होता है 7 बजे पीछे शाम को, जिसकी टिकट कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। तो थोड़ी और शाम हो गई है और नज़ारा बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पर, बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे लोग आ चुके हैं और फाउंटेन शो भी होने वाला है थोड़ी देर में। कृपालु वंदे जगत गुरु, और फाउंटेन काफ़ी अच्छा, और ये मंदिर ठीक पीछे, और देखिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और ये सूर्य भगवान अस्त होते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और कोई सुझाव हो तो भी आप बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं मुझसे, और बाकी कुछ रह गया होगा तो भी आप बता सकते हैं। आज मथुरा वृंदावन का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से हमें निकलना है दिल्ली, तो ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।